हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा IBPS PU प्री का एग्ज़ाम होने वाला है। सिर्फ एक महीना हमारे पास में बचा है और उसके लिए क्लास नंबर सेकंड होने वाली है। इससे पहले हम लोग DI की कुछ क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट की क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपको चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर हर एक टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट है। इंग्लिश की भी आपको वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी, तो एक बार आप लोग वो सारे की सारी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा और PO के अगर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो PO लेवल के क्वेश्चन तैयार करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो डायरेक्ट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने तो फिर नहीं हो पाता है वहाँ पर। तो ये ऐसा टॉपिक है जो अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपका बेनिफिट होगा। आपको एक दो क्वेश्चन अगर आ जाते हैं और आप इनको कर जाते हो तो फिर ये वो वाला टॉपिक है जो आपको दूसरों से थोड़ा सा अलग कर देता है। यानी कि 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको मिक्सचर एलिगेशन में प्रॉब्लम आती है, तो वो ज़्यादा क्या करते हैं कि मिक्सचर एलिगेशन को स्किप कर देते हैं। बट अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन कर दिया तो आप थोड़ा सा उनसे आगे निकल जाओगे और ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, यही आपको मदद करती हैं सिलेक्शन लेने में। तो आज 6 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ जो कि IBPS का ट्रेंड है और IBPS यही पूछता है। लगभग पिछले 2-3 साल से मैंने उठा के देख लिया, लगभग यही लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इन्हीं टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिएगा, सारे के सारे टाइप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साथ में। अब एक महीना बचा है और अब उस टाइम में हम लोग आ चुके हैं जब हम मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको ये चेक करना है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन से क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें यार मॉक टेस्ट से ही पॉसिबल हो पाती हैं। विदाउट मॉक टेस्ट अगर आप एग्ज़ाम में जाओगे तो RRB के अभी आपने एग्ज़ाम आई होप दिए होंगे तो वहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि आप कितना कर पाए, क्योंकि एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है ना उसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है और वो चीज़ हमारी प्रैक्टिस से ही अच्छी हो पाती है। तो क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट कौन से लगाने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है परीक्षा ऐप, और परीक्षा ऐप के मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाउनलोड करने का लिंक दिया है, नहीं तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी कर सकते हो। ये जो कूपन कोड है GRAMGOV40, इसको यूज़ करोगे तो आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, एक तो IBPS PO प्री लेवल के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवा दिए हों। 20 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो 20 मॉक टेस्ट आप यहाँ से परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास में टाइम तो इतना बचा ही नहीं है। तो एक महीना बचा है, उसमें अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन भी मॉक टेस्ट लगाते हो तो भी आपके पास समय कम है अब। तो लगभग अब लास्ट के जो हमारे 10 दिन बचेंगे ना, उसमें हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। आने वाले 20 दिनों में आपको 20 मॉक टेस्ट तो मिनिमम लगाने हैं, ताकि हर एक चीज़ से आप गो थ्रू हो जाओ, हर एक पॉइंट से आप गो थ्रू हो जाओ कि एग्ज़ाम में अगर मैं जा रहा हूँ तो इन इन जो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको मुझे फेस करना पड़ सकता है। तो वो आप मॉक टेस्ट में ही फेस कर लो, एग्ज़ाम में ना करो। तो परीक्षा ऐप के मॉक टेस्ट आपको परचेज़ करने हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिएगा, आज के क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा आप लोग, PO लेवल में रख रहा हूँ, ईजी से क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और एक्चुअली ईजी टफ कुछ भी नहीं है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं IBPS द्वारा वो सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना और फिर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो प्रकार की चीनी मूल्य क्रमशः 18 तथा 26 रुपये प्रति किलो को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का प्रति किलो मूल्य 23 रुपये प्राप्त हो। तो अब ये मिश्रण, ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, वो एलिगेशन से ही सॉल्व होते हैं, और एलिगेशन मेथड हम लोग इनमें इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएँ। विदाउट एलिगेशन के करोगे तो भी आप इन क्वेश्चन को कर लोगे, बट वो बहुत लेंथी मेथड हो जाता है। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व कर लिया तो चलिए हम लोग भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। और इन्हीं ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, एकदम जीरो लेवल का। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर आप अच्छे से अच्छे लेवल का सवाल भी कर लोगे, क्योंकि बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, वो बोल रहा है कि दो प्रकार की चीनी है, 2 types of sugar, पहला का रेट क्या है 18, दूसरे का रेट क्या है 26, दोनों को ऐड किया जाए तो जो रेस्पेक्टिवली जो हमारे पैसे मिलने वाले हैं मिक्सचर के, वो 23 रुपये मिलने वाले हैं। यानी कि इन दोनों को मिलाने के बाद में एक मिक्सचर बन रहा है, उसको सेल करने से 23 रुपये पर केजी में सेल हो रहा है वो। यानी कि बेस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 23 रुपीज़ हो जाएगा। अब इन तीनों में ही कंपेयर करके आपको ये बताना पड़ेगा कि किस रेशियो में मिलाना चाहिए, पहले वाले मिश्रण को और दूसरे वाले मिश्रण को। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, सिंपल इसी तरीके से लिखना है आपको, और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 23 और 26 का डिफरेंस निकालना है। मैंने ये नहीं कहा कि किसको किस में से माइनस करना है, ये चीज़ कभी नहीं करनी, दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, पॉजिटिव का 3 आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस आप निकालते हो तो पॉजिटिव का 5 आ जाता है। अब ऐसा नहीं करना है आपको कि इन दोनों का डिफरेंस आपने इस तरफ लिख दिया हो 5 और इन दोनों का डिफरेंस आपने इस तरफ लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा।
इस तरीके से आपको करना है कि इन दोनों का डिफरेंस इस वाली लाइन में इस तरीके से और ये वाला सॉल्व होके इस तरीके से, यानी कि जो मिक्सचर था वो हमारा 3:5 रेशियो में मिलना चाहिए। अब मान लो मिक्सचर एलिगेशन से आप नहीं करते हो तो कैसे करोगे, फिर आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा कि मान लो पहले वाले को 3 किलो मैंने मिलाया, 3 kg है ना, पहले वाले मिक्सचर का 3 kg मैंने उठाया तो टोटल रेट कितनी आ गई 54, और दूसरे वाले मिक्सचर का मैंने 5 kg उठाया तो कितना आ गया टोटल रेट कितनी आ गई 130, दोनों को ऐड किया मैंने कितना 184, और दोनों का सम कितना है 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 kg, तो 8 kg से डिवाइड करूंगा तो मुझे पर kg 23 rupees मिल रहा है। बट ये वाला मेथड जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है और ऑप्शन से अगर करने जाओगे तो टाइम लग जाएगा। बेस्ट मेथड है एलिगेशन मेथड, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। 3:5 में आपका जो डिवाइड हो जाएगा रेशियो और इतना इतना kg इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो मिक्सचर है वो 23 rupees में क्या हो जाएगा सेल हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन IBPS में आता है, फेवरेट क्वेश्चन है IBPS का ये, तो इन तरह के क्वेश्चन की थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट देखिएगा, बोल रहा है कि 20 लीटर नमक और पानी के मिश्रण में 5% पानी है, सॉरी 5% नमक है, कितने लीटर पानी मिलाया जाए जिससे नमक की प्रतिशतता 2% हो जाए। देर इज़ 5% सॉल्ट इन द मिक्सचर ऑफ 20 liters ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड सो दैट द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इज 2%। तो आप एक बार खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन को ना एक्चुअली मैं आपको एलिगेशन मेथड से नहीं करवाने वाला हूँ, इसका जो बेसिक मेथड होता है ना उससे आप करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे। एलिगेशन वाला क्या करना पड़ेगा, आपको दो तरीके से करना पड़ेगा। अब कुछ बंदे एलिगेशन में क्या होगा कि कुछ नमक को बेस मानकर भी करेंगे और कुछ होंगे जो कि पानी को बेस मानकर करेंगे, तो जहाँ पर भी दो तरह के एलिगेशन लग रहे हैं कन्फ्यूजन ऑब्वियसली बात हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, बोल रहा है कि टोटल मिक्सचर कितना है 20 लीटर का है, अब इसमें सॉल्ट कितना है 5% है, नमक कितना है 5% है, तो 5% का मतलब कितना हुआ 20 लीटर का 5% आप निकालते हो तो 1 liter बनता है, बट नमक कभी भी लीटर में नहीं होता इसलिए 1 unit, ठीक है। अब इस 1 unit को कितना बनाना है 2% बनाना है, तो अगर 1 का मतलब 2% है, इसको अगर मैं 2% बनाऊंगा तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, सिंपल सी चीज़ है। यानी कि जो मिक्सचर हमारा 20 लीटर का था वो 50 लीटर का हो जाना चाहिए, जिससे नमक जो है वो कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा। तो कितना ऐड किया हमने, 20 से कितना बना दिया इसको 50 बना दिया, यानी कि 30 लीटर क्या किया वाटर इसमें ऐड किया है, 30% पानी इसमें मिलाया है, जिससे जो नमक है वो पहले 5% था तो अब कितना हो गया 2%, क्योंकि नमक चेंज नहीं हो रहा है, जितना पहले नमक था मिक्सचर में उतना ही नमक अभी भी है, बट वो टोटल मिक्सचर का कितना परसेंट है 2% हो जाना चाहिए था, इसलिए हमने 30 लीटर पानी को क्या कर दिया और ऐड कर दिया। इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग इजीली कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, दो प्रकार के आलू मूल्य 220 तथा 260 रुपये प्रति किलो को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण को 300 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त हो। इन वॉट रेशियो शुड द टू टाइप्स ऑफ पोटैटोज बी मिक्सड एट अ प्राइस ऑफ 220 एंड 260 रुपीज पर केजी रेस्पेक्टिवली सो दैट द मिक्सचर गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% बाय सेलिंग इट एट 300 रुपीज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेस जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, बेस जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए कौन सा बेस है। तो कितने रुपए में बेचा है इसको, 300 रुपये में बेच रहा है वो इसको पर केजी, बट यहाँ पर वो 25 का प्रॉफिट भी ले रहा है, यानी कि एक्चुअल जो 100% सेलिंग प्राइस है ना वो नहीं है ये इसका, अब प्रॉफिट के बाद वाला है ये। अब क्या करना पड़ेगा आपको, 300 से पहले इसकी एक्चुअल जो 100% होने वाला है विदाउट प्रॉफिट के, वो वाली वैल्यू निकालनी होगी और उसके बाद में एलिगेशन को लगाना होगा, एलिगेशन मेथड जो है उसको यूज़ करना होगा। तो आप एक बार खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को, वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और खुद से ट्राई करो, अगर कर लिया हो तो चलेगा, हम लोग भी कर लेते हैं। देखिएगा 25% का प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको लाभ हो रहा है, इसका मतलब वो कितना परसेंट की वैल्यू है, 125% की वैल्यू है, ये तो आप सभी को पता ही है। और 125% की वैल्यू आपको दे दी जाए तो 100% की वैल्यू भी आप लोग इजीली निकाल सकते हो, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अब एलिगेशन कैसे यूज़ होगा, बेस प्राइस कितना आ गया हमारा 240 आ गया, तो कितना हो जाएगा 220, 260 और एलिगेशन में 240 बीच में लिखा, इन दोनों का डिफरेंस कितना 20, इन दोनों का डिफरेंस कितना 20, दोनों का रेशियो निकाला कितना 1:1, यानी कि जो आलू है इनको 1:1 में ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारा जो मिक्सचर है उसको हम लोग सेल करेंगे तो कितने रुपए में बिक जाएगा, वो 240 में बिक जाएगा, और उसको 25% अगर प्रॉफिट करना हो हमें तो वो 300 में बिक जाएगा इस तरीके से। तो कितना होना चाहिए, 1:1 का हमारा रेशियो होना चाहिए दोनों के दोनों टाइप के पोटैटोज का, दोनों के दोनों टाइप के आलू का। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा एक स्टेप इसमें बढ़ गई थी प्रॉफिट वाली, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। पीओ की अगर मैं बात करूँ ना, तब तो ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। देखिएगा, बोल रहा है कि तांबे और जस्ते के दो अयस्क में से प्रथम में तांबे और जस्ते का अनुपात 1:2 है, तथा दूसरे में तांबे और जस्ते का अनुपात 3:1 है। यानी कि दो अयस्क है, उसमें पहले में रेशो दिया हुआ है अलग तांबे का और जस्ते का, और दूसरे में दिया हुआ है अलग। फिर वो बोल रहा है कि किस अनुपात में इनको मिलाया जाए जिससे प्राप्त अयस्क में बराबर बराबर तांबा और जस्ता हो। अब ये बराबर बराबर का मतलब ये होता है कि 1:1 इस तरीके से, तो इसको आप लोगों को खुद ही समझना होगा, क्योंकि बराबर बराबर तो यही होता है दोनों तरफ इक्वल। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से, और ट्राई कर लिया हो तो चलिएगा, हम लोग भी करते हैं इस क्वेश्चन को ट्राई, सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती हैं इस टाइप के क्वेश्चन की। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको 2-3 स्टेप में इस क्वेश्चन को बताऊंगा, तो समझिएगा। सबसे पहले उसने क्या लिखा है, 1:2, तो मैंने 1:2 लिखा, 3:1 लिखा, और इनको किस रेशियो में डिवाइड करना है, 1:1 में इनको डिवाइड करना है। यानी कि जो हमारा मिक्सचर मिलेगा वो उसमें कितना होना चाहिए, 1:1 इसका होना चाहिए कॉपर का, और नेक्स्ट हमारा जिंक का। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से ना, अब इस तरीके से जब आपके पास में लिखा हुआ है रेशियो के रूप में, तो आप एलिगेशन यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में आपको चेंज करना पड़ेगा पहले। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ, तो 1/3 में लिखूंगा इन दोनों का सम करके, इन दोनों का सम कितना है, 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। तो मैं क्या करूँगा, इनको इसी तरीके से लिख दूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा 1/3, यहाँ पर लिखा है 3/4, और ये 1/1 लिखा हुआ, इसका मतलब हो गया 1/2। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एलसीएम लूँगा, यानी कि ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ होता है, इसको हटाना है, सिंपल एक नंबर में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो इसको भी मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मैंने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4, इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9, इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6। यानी कि ये जो फ्रैक्शन था हमारा, ये जो फ्रैक्शन था, ये टोटल चेंज होकर एक सिंपल नंबर में चेंज हो गया, और उसके बाद में आपको क्या करना है, एलिगेशन यूज़ करना है। तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 का डिफरेंस कितना, 3, सॉरी 9 और 6 का डिफरेंस कितना, 3, और 4 और 6 का डिफरेंस कितना, 2। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2। 3:2 में क्या करना चाहिए, इन दोनों के दोनों को जो हमारे अलॉय हैं, इनको मिलाना चाहिए, ताकि जो रेशियो होगा लास्ट में वो 1:1 मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं यही क्वेश्चन एक बार फिर से करवा रहा हूँ इसी टाइप का, लेकिन आप इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ जाओगे तो इस क्वेश्चन को ईजिली बना लोगे। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज क्या है, लास्ट के रेशियो में चेंज है, वहाँ पर 1:1 में था, यहाँ पर 9:4 में। वो बोल रहा है कि दो कंटेनर हैं ए और बी, उनमें दूध और पानी का अनुपात जो है 5:2 है और 8:5 है, तो इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो। लिखा हुआ है दो कंटेनर हैं, पहले वाले में 5:2 रेशियो है, सेकेंड वाले में 8:5 है, दोनों को मिला दिया, किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि जो नया हमारे पास मिक्सचर बने उसमें दूध और पानी का जो मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का जो मिक्सचर है, वो कितना बन जाए हमारा, 9:4 बन जाए। तो चलिएगा, लास्ट क्वेश्चन की तरह ये होने वाला है, बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। आपको क्या करना है, एक बार खुद से ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने देखा ना, 5:2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5/7 आप लिख सकते हो इसको। यहाँ पे 8:5 लिखा हुआ है, तो 8/13 लिख सकते हो। यहाँ पे 9/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 9/13 लिख सकते हो। दोनों को ऐड किया कितना, 13 आ गया नीचे लिखा, दोनों को ऐड किया कितना, 13 आ गया नीचे लिखा, दोनों को ऐड किया 7 आ गया कितना लिखा, नीचे लिखा, और फिर ऊपर इनकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो आप लोग लिख लेना। यहाँ तक समझ में आ गया, उसके बाद में क्या करना, एलसीएम लेना है नीचे वाले नंबर का, कितना आ जाएगा, 98, 13 7 का 98। अब बस सारे की सारी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 98 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में जो एक्चुअल नंबर होगा उसमें ये चेंज हो जाएगा, और उसमें चेंज होने के बाद में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, एलिगेशन मेथड आपको यूज़ करना अब आता है। 7:2 में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, और 7:2 ही क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो टाइप का क्वेश्चन था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, और बहुत ज़्यादा लेवल तो नहीं है, बट प्री एग्ज़ाम में आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आएंगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोगों को बताना है। इतने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए 5 टाइप के, एक टाइप का बचा है जो कि IBPS पूछता है बार बार, ये वाला टाइप आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आंसर। सारे के सारे ऑप्शन जो है मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। वो बोल रहा है कि सोना जो है वो पानी से 19 गुना भारी है, और जस्ता जो है वो पानी से 9 गुना भारी है। तो बोल रहा है कि इन धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो है वो पानी से 15 गुना भारी हो।
गोल्ड इज 19 टाइम हैवियर देन वाटर एंड जिंक इज 9 टाइम हैवियर देन वाटर, इन वॉट रेशियो शुड दीज मेटल्स बी मिक्सड और दैट द मिक्सचर इज 15 टाइम्स हैवियर देन वाटर। तो आपके सामने ऑप्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर इसका जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा क्लास नंबर 3 में आपको मिल जाएगा, तो परेशान मत होइएगा आप लोग सॉल्यूशन के लिए भी। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।